So let's start with the problem number 26. So hum problem number 26 ab start karenge. The temperature at which speed of sound become double at 27 degree centigrade. Dekhiye ye jo problem hai, hum MTG 36 PYQs solve kar rahe hain NEET examination ka. Ab yahan pe kya diya hua hai, temperature. अब स्पीड ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ये आपको अच्छी तरह से पता है. अब हमें क्या पूछा है, द टेम्परेचर एट विच स्पीड ऑफ साउंड बिकम्स डबल, दैट वाज एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड. यानी हमें V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ T2 अपॉन T1 लेना है. ठीक है, अब हमें क्या पूछा है, हमें सबसे पहले तो पहला टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है, वहां पे स्पीड V1 मान लेते हैं. ठीक है, अब सेकंड केस में क्या हुआ है कि ये जो स्पीड है V2, ये V1 से डबल हो गया है. V2 इज ट्वाइस V1 अपॉन V1. V2 जो है वो V1 से डबल हो गया है. हमें ये टेम्परेचर T2 पूछा है और T1 दिया है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 27 प्लस 273. सो 2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ T2 अपॉन 300 हो जाएगा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड T2 अपॉन 300. सो T2 इज इक्वल टू 1200, ये केल्विन में है, 1200 माइनस 273 अगर हम करेंगे तो आंसर विल बी 927 डिग्री सेंटीग्रेड. देखो क्या आपको प्रॉब्लम समझ रहा है, क्या आर यू गेटिंग प्रॉब्लम प्रॉपरली. वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये ध्यान में रखना है. V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ T2 अपॉन T1. शुरुआत में टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ था, उसको केल्विन में कन्वर्ट कर लिया. ठीक है, अब 27 नंबर का प्रॉब्लम देखते हैं क्या है ये. मैं प्रॉब्लम को पढ़ लेता हूँ. वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव इन एयर इज 330 मीटर पर सेकंड. वेलोसिटी इन एयर दिया है. फॉर ए पर्टिकुलर साउंड वेव इन एयर पाथ डिफरेंस दिया है 40 सेंटीमीटर और फेज डिफरेंस दिया हुआ है. फेज डिफरेंस डेल्टा फाय कितना है, 1.6 पाय. और हमें पूछा है फ्रीक्वेंसी ऑफ दी वेव एन या एफ मान लेते हैं फ्रीक्वेंसी को. तो देखो हमें स्पीड ऑफ लाइट दिया है 330 मीटर पर सेकंड, फ्रीक्वेंसी हमें पता नहीं है, फ्रीक्वेंसी हमें निकालना है. हमें और क्या इंपॉर्टेंट है, पाथ डिफरेंस हमारे पास है, फेज डिफरेंस हमारे पास है. तो हम क्या करेंगे, पहले डेल्टा फाय इज इक्वल टू 2 पाय अपॉन लैम्बडा डेल्टा एक्स, ये फॉर्मूला यूज करेंगे. फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाय अपॉन लैम्बडा इंटू पाथ डिफरेंस. फेज डिफरेंस कितना है, 1.6 पाय. पाथ डिफरेंस कितना है, 40 सेंटीमीटर. तो 40 सेंटीमीटर को मैं 0.4 मीटर कर लेता हूँ, पाय पाय कैंसल हो जाएगा, 0.8 अपॉन 1.6 दैट इज 1/2 मीटर में वेवलेंथ आ जाएगी. अब हमारे पास वेवलेंथ है और स्पीड ऑफ साउंड है, तो V इज इक्वल टू एफ लैम्बडा, तो F इज इक्वल टू V अपॉन लैम्बडा, 330 अपॉन ए 1/2 दैट इज 660 मीटर पर सेकंड. दिस इज द राइट चॉइस, 660 मीटर पर सेकंड. अच्छी तरह से प्रॉब्लम को लिखेंगे आप. अब अगला प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 28. क्या है प्रॉब्लम नंबर 28, ए 5.5 मीटर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हैज ए मास 0.035 केजी. 5.5 मीटर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, मास 0.035 केजी दिया है.
टेंशन इन द स्ट्रिंग है 77 न्यूटन, स्पीड ऑफ वेव पूछा हुआ है, तो हमें 5.5 मीटर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है, मास दिया है, टेंशन दिया है और स्पीड पूछा है। तो देखो ये जो 28 नंबर का प्रॉब्लम है इसमें हमारे पास है स्पीड ऑफ साउंड वेव ऑन स्ट्रिंग टी अपॉन म्यू, और म्यू क्या है, मास पर यूनिट लेंथ, दैट इज टी अपॉन मास पर यूनिट लेंथ, लेंथ ऊपर चला जाएगा। अब टेंशन कितना दिया है देख लेते हैं, 77 न्यूटन, लेंथ कितनी है 5.5 मीटर और मास कितना है 0.035 केजी। तो देख लेते हैं क्या आंसर आएगा। अब ये टेंशन है तुम्हारा 77, ये है तुम्हारा 55/10 हो जाएगा, और ये जो है 35/1000 यानी 1000 ऊपर आ जाएगा कैलकुलेशन में। अब देखो ये किस तरह से करेंगे, 77 को इसे रहने देते हैं, 5 11s are और 5 7s are और ये 100 रहेगा। अब ये ध्यान दीजिए, 11 × 11 × 100 दैट इज स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो 110 मीटर पर सेकंड। सिंपल कैलकुलेशन था, यहाँ पे ध्यान में रखना है दिस इज लिनियर मास डेंसिटी दैट इज मास पर यूनिट लेंथ। 29 नंबर के प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इफ एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड इज डबल्ड एंड फ्रीक्वेंसी इज रिड्यूस टू 1/4 द इंटेंसिटी ऑफ साउंड एट सम पॉइंट विल बी। कभी कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन में हमें ऐसे लगता है कि प्रॉब्लम थ्योरेटिकल है, पर वो थ्योरेटिकल होने के बावजूद उसमें फॉर्मूला अगर यूज करना है तो एक न्यूमेरिकल में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये उसी टाइप का एक थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल है। एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड इज डबल्ड, फ्रीक्वेंसी 1/4 हो गई, तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड एट द सेम पॉइंट विल बी। हमेशा ध्यान में रखना है इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ फ्रीक्वेंसी। इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो वी कैन टेक आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर एफ स्क्वायर, सो आई टू अपॉन आई वन इज इक्वल टू ए टू अपॉन ए वन एफ टू। अब ए टू अपॉन ए वन एफ टू अपॉन एफ वन इसका स्क्वायर करेंगे। अब क्या कहा है, एम्पलीट्यूड डबल हो गया है, इनिशियल से डबल हो गया है, और फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई है, इनिशियल से हाफ हो गई है, सॉरी 1/4 हो गई है। सो ए वन एफ वन एफ वन कैंसल, 1/4 हो जाएगा आई टू अपॉन आई वन, सो आई टू इज इक्वल टू आई वन अपॉन फोर, तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीजेस बाय ए फैक्टर ऑफ 4, ये आंसर आएगा। इंटेंसिटी विल बी डिक्रीजेस बाय फैक्टर ऑफ 4। अगला क्वेश्चन प्योरली थ्योरी है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एनी गैस डिपेंड अपॉन, ध्यान में रखना है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस डिपेंड ओनली ऑन इलास्टिसिटी एंड डेंसिटी। इलास्टिसिटी कितना है यानी वो बल्क मॉड्यूलस आएगा पर्टिकुलरली, या गैमा पी आएगा, एडियाबेटिक है तो गैमा पी, और आइसोथर्मल है तो सिर्फ पी यानी प्रेशर, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस हमें ध्यान में रखना है, वेलोसिटी ऑफ साउंड का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी अपॉन डेंसिटी। अब अगर वो गैस है तो गैस में अगर ये हम इसको के मान लेते हैं बल्क मॉड्यूलस, तो के आइसोथर्मल अपॉन रो है, तो के आइसोथर्मल हमेशा प्रेशर होता है, ध्यान में रखना है, और अगर के एडियाबेटिक है तो इट विल बी गैमा पी। सो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस प्योरली डिपेंड अपॉन डेंसिटी एंड इलास्टिसिटी ऑफ गैस। अभी तक हमने लगभग कितने क्वेश्चंस देख लिए, 30 क्वेश्चंस हमारे पीवाईक्यू हो चुके हैं वेव्स के बारे में। हमने ट्रांसवर्स लॉन्जिट्यूडनल वेव्स, डिस्प्लेसमेंट, वी इज इक्वल टू एन लैम्बडा, इनके सारे प्रॉब्लम्स देख लिए। अभी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स के हम प्रॉब्लम देख लेते हैं कि सपोज दैट हमारे पास दो वेव्स है, वाई वन इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा 1t
और वाई टू इज इक्वल टू ए टू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। इस तरह से हमारे पास दो वेव्स दिए हुए हैं, ठीक है। अब अगर ये दोनों वेव्स हम एक कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, हमारे पास एक रिजल्टेंट इक्वेशन आएगा जिसकी एक रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगी और जिसका एक रिजल्टेंट फेज भी होगा, ठीक है ना। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एंड रिजल्टेंट फेज, ये दो चीजें हमें यहां पे देखनी है। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, अगर हमारे पास दो वेव इस तरह से दिए हुए हैं तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हम कैसे निकालेंगे, ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए वन ए टू कॉस ऑफ फाइ। फाइ क्या चीज है, ये जो दोनों इक्वेशंस है इन दोनों इक्वेशन में जो फेज डिफरेंस है उसको हम फाइ बोलेंगे। देखो वाई वन इज इक्वल टू ए वन साइन ओमेगा टी, वाई टू इज इक्वल टू ए टू साइन ओमेगा टी, इस तरह से है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो फेज डिफरेंस है फाइ वो हमें कंसिडर करना पड़ेगा। हमें सिर्फ फार्मूला ध्यान में रखना है, इसके ज़्यादा डिटेल में आपने अभी जाने की कोई ज़रूरत नहीं, नीट के बच्चे हो आप, नीट एग्जामिनेशन करीब है। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ दिस सुपर पोजिशन ऑफ दिस टू वेव इज अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए वन ए टू कॉस फाइ, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। और इसके केसेस कुछ ध्यान में रखने की जरूरत नहीं, जैसे हमें एंगल पता चलेगा, एम्पलीट्यूड की वैल्यू पता चलेगी, हम रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकाल लेंगे। अब दूसरा एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन यहाँ पे ऐसा है कि इंटेंसिटी ऑफ वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। इंटेंसिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर होती है, तो इसका मतलब आई वन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए वन स्क्वायर, आई टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए टू स्क्वायर। अब यहाँ पे आई वन अपॉन आई टू कैन बी टेकन एज ए वन अपॉन ए टू ब्रैकेट स्क्वायर, या फिर ए वन अपॉन ए टू कैन बी टेकन एज अंडर रूट आई वन अपॉन अंडर रूट आई टू, इस तरह से भी हम ले सकते हैं। तो की क्या है यहाँ पे, कंसेप्ट क्या है, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, ये लेना है, इससे हमें इस तरह से इक्वेशन मिल जाएगा। अब आता है सवाल मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कब होती है, तो ए वन प्लस ए टू होता है जब फाइ जीरो होता है। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ध्यान में रखना है ए वन प्लस ए टू होता है, मिनिमम एम्पलीट्यूड होता है ए वन माइनस ए टू, और ये होता है जब फाइ इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ये केसेस आप अच्छी तरह से लर्न रखेंगे क्योंकि एग्जामिनेशन में ये पूछा जाता है। एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है तो इसका मतलब वो ए वन प्लस ए टू है, उसकी केस क्या है, फाइ जीरो होगा, फेज डिफरेंस जीरो होना चाहिए तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा। अगर फेज डिफरेंस 180 डिग्री हुआ तो एम्पलीट्यूड की सब्ट्रैक्शन होगी, वो मिनिमम हो जाएगा। तो इस केस में मैक्सिमम इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए वन प्लस ए टू ब्रैकेट स्क्वायर, इस केस में मैक्सिमम इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए वन माइनस ए टू ब्रैकेट स्क्वायर। अगर हमारे पास आई वन और आई टू इंटेंसिटी ऑफ टू साउंड वेव्स है तो इसकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी हम इस तरह से लिखेंगे, आई वन प्लस आई टू प्लस टू स्क्वायर रूट ऑफ आई वन आई टू कॉस फाइव। हमें इसके प्रूफ में नहीं जाना है, हमें सिर्फ फॉर्मूले ध्यान में रखना है। अगर हमारे पास दो साउंड वेव्स है जिसकी एम्पलीट्यूड ए वन और ए टू है और जिसकी इंटेंसिटी आई वन और आई टू है, तो हम कैसे लिखेंगे फॉर्मूला। अगर पहले साउंड वेव का एम्पलीट्यूड ए वन है, ए टू है, आई वन इंटेंसिटी आई टू इंटेंसिटी है और इन दोनों में फेज डिफरेंस कितना है, फाइव है, दो साउंड नोट्स है जिनके एम्पलीट्यूड पता है, इंटेंसिटी पता है और फेज डिफरेंस पता है, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कैसे निकालेंगे, इस तरह से। स्क्वायर रूट में ए मैक्स कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ए वन प्लस ए टू करके, इसके लिए कंडीशन क्या है, फेज डिफरेंस जीरो होना चाहिए। मिनिमम एम्पलीट्यूड कैसे निकालेंगे, सुपर पोजिशन की, जब दो वेव यूनाइट हो जाएंगे, सुपर इम्पोज हो जाएंगे, सुपर पोज हो जाएंगे, तो उनका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इस तरह से आएगा जिसमें फाइ क्या हो जाएगा, फाइ हो जाएगा, ठीक है। अब इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, तो आई वन स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए वन स्क्वायर, आई टू स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए टू स्क्वायर,
इसलिए हम क्या लिखेंगे, आई वन अपॉन आई टू इज इक्वल टू ए वन अपॉन ए टू ब्रैकेट स्क्वायर लिखेंगे, या उल्टा कर लो, ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आई वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ आई टू, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। अब हमने रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड लिख लिया, रिजल्टेंट इंटेंसिटी भी लिख लेते हैं। ये हो गया रिजल्टेंट इंटेंसिटी। आई मैक्स कैसे निकालेंगे, आई मैक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए वन प्लस ए टू ब्रैकेट स्क्वायर, आई मिनिमम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए वन माइनस ए टू ब्रैकेट स्क्वायर। सो आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम, रेशियो ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी टू मिनिमम इंटेंसिटी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, अंडर रूट आई वन प्लस अंडर रूट आई टू ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन अंडर रूट आई वन माइनस अंडर रूट आई टू ब्रैकेट स्क्वायर। तो इस सारे फॉर्मूले आप 10-10 बार लिख लीजिए, परफेक्ट कर लीजिए, इस पर प्रॉब्लम आने के चांसेस होते हैं। आइए इससे जुड़े हुए प्रॉब्लम्स हम देखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स पे पीवाईक्यू हम देख रहे हैं। 31 नंबर का पीवाईक्यू देखिए क्या है। पीवाईक्यू, टू पीरियोडिक वेव्स ऑफ इंटेंसिटी आई वन एंड आई टू पास थ्रू ए रीजन एट सेम टाइम इन द सेम डायरेक्शन। दो पीरियोडिक वेव्स है, इंटेंसिटी आई वन और आई टू है, और पास थ्रू ए रीजन एट सेम टाइम इन सेम डायरेक्शन, ठीक है। द सम ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी पूछा है, तो हमने सम ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी लेना है। कैसा है फॉर्मूला, रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या है, अंडर रूट आई वन प्लस अंडर रूट आई टू, ये क्या है, मैक्सिमम इंटेंसिटी है, मिनिमम सॉरी आई मैक्स, आई का जनरल फॉर्मूला क्या है इंटेंसिटी का, आई वन प्लस आई टू प्लस टू अंडर रूट आई वन आई टू कॉस फाइव, इस तरह से है, ठीक है। अब इंटेंसिटी मैक्सिमम कब हो जाएगी, जब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगी, तो फाइव की वैल्यू जीरो लेंगे, यहाँ पे फाइव की वैल्यू जीरो लेंगे तो कॉस जीरो कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा, और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, आई मैक्स इज इक्वल टू अंडर रूट आई वन प्लस अंडर रूट आई टू ब्रैकेट स्क्वायर। उसी तरह से आई मिनिमम इज इक्वल टू अंडर रूट आई वन माइनस अंडर रूट आई टू ब्रैकेट स्क्वायर, इस तरह से भी इसको लिखा जा सकता है। पर हमें पूछा क्या है, आई वन एंड आई टू पास थ्रू रीजन एट सेम टाइम इन सेम डायरेक्शन, द सम ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी, सम ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी यानी इन दोनों का एडिशन हमें करना पड़ेगा। इसका इसका एक्सपांशन क्या होगा, आई वन प्लस आई टू प्लस टू रूट आई वन आई टू हो जाएगा, सेकंड का एक्सपांशन हो जाएगा आई वन प्लस आई टू माइनस टू रूट आई वन आई टू, ये कैंसिल हो जाएगा तो आंसर क्या आएगा, टू इंटू ब्रैकेट आई वन प्लस आई टू। सो सम ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी कितना हो गया तुम्हारा, ट्वाइस आई वन प्लस आई टू।